उदयपुर में गुरुवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के नेताओं ने स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य गौरव गोगोई को, सदस्य गणेश गोडलिया के साथ अभिषेक दत्त ने एक एक कर सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ होटल के अंदर ही बैठे रहे और कई कार्यकर्ता और उम्मीदवार होटल के बाहर खड़े थे। ऐसे में उदयपुर से उम्मीदवारी कर रहे गौरव वल्लभ को लेकर जमकर हंगामा हो गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ खुद होटल के बाहर निकलकर चले गए। उदयपुर के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हम सभी जब उदयपुर से उम्मीदवारी को लेकर आवेदन करने के लिए लेकर आया गया है, लेकिन हम होटल के बाहर खड़े हैं, जबकि राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयपुर से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन के लिए आए हैं और वह होटल के अंदर बैठे हैं। ऐसे व्यवहार को लेकर घटनास्थल पर जमकर हंगामा हुआ और इस दौरान उदयपुर के कांग्रेस के पूर्व पार्षद मोहसिन खान ने भी जमकर इस बात का विरोध दर्ज कराया। सीटों से आई उस मदद पड़ेगी इन लोगों का विरोध है। यहाँ पर पानी अपन नहीं बोलेंगे तो विरोध नहीं है।